हंगामा हुआ। जैसे ही डीएमके के सांसद टीआर बालू ने बोलना शुरू किया, हंगामा शुरू हो गया और इसके बाद बीजेपी ने डीएमके सांसद के बयान पर माफी की भी मांग की। और इस बीच केंद्रीय मंत्री सांसद पीयूष गोयल और सोनिया गांधी के बीच नोकझोंक भी हुई। माफी की मांग पर सोनिया गांधी ने माफी मांगने से इनकार कर दिया है। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं डीएमके सांसद के बयान पर। आज लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ है और जैसे ही डीएमके के सांसद टीआर बालू ने बोलना शुरू किया, हंगामा शुरू हो गया और उसके बाद बीजेपी ने डीएमके सांसद के बयान पर माफी की मांग की। इस बीच आपको बताएं कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और सोनिया गांधी के बीच जमकर नोकझोंक भी देखने को मिली। माफी की मांग पर सोनिया गांधी ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। आपको बताएं, इससे पहले डीएमके के ही उदयनिधि स्टालिन की ओर से सनातन धर्म पर एक विवादित बयान दिया गया था और उसके बाद एक और नेता की ओर से आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। तो सनातन पर संसद में हंगामा, देखिए हंगामे के बाद संसद को स्थगित कर दिया गया है और इसके बाद कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संसद में हुए हंगामे की पूरी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि गौमूत्र वाले बयान पर विपक्ष से माफी मांगने के लिए बोला गया, लेकिन विपक्ष के सभी लोग उनके साथ खड़े हो गए और हंगामा करना शुरू कर दिया। गौमूत्र राज्य का ही है, उस पर हमारी तरफ से विषय आया कि भी आप माफी मांगिए, क्योंकि ऐसा विषय चल भी रहा था, लेकिन वो भी अड़ गए और उनके साथ कांग्रेस के साथी भी खड़े हो गए, एनसीपी और जो उनके समर्थक दल हैं, जो INDIA के दल हैं, जो गठबंधन में, वो सब उनके साथ खड़े हो गए। इसका मतलब हम ये पूछना चाहते हैं कि ये किस दिशा में देश को ले जा रहे हैं? क्या भारत को तोड़ना चाहते हैं क्या? कभी जो कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, सदन के सदस्य भी हैं, वो कहते हैं साउथ इंडिया हमें अच्छा लगता है, तो खाली अमेठी में आप चुनाव हार गए इसलिए आपको नॉर्थ इंडिया अच्छा नहीं लगता? ये कभी सनातन संस्कृति के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, तो हम उनसे पूछना चाहते हैं, कांग्रेस के बड़े नेताओं से, कि आप देश तोड़ना चाहते हो क्या? और ऐसा बयान देने के बाद आप माफी भी नहीं मांगोगे, चोरी भी करोगे और सीना चोरी भी करोगे हाउस में, और हमें धमकाओगे भी कि आप ऐसा नहीं बोल सकते, और आप कुछ भी बोलते जा रहे हो। ये देश एक है, एक रहेगा, इसको कोई तोड़ नहीं सकता। तो डीएमके के नफरती बोल पर सियासी घमासान लगातार जारी है। डीएमके सांसद के बयान पर आज लोकसभा में जोरदार हंगामा हुआ और जैसे ही डीएमके के सांसद टीआर बालू ने बोलना शुरू किया, हंगामा शुरू हो गया और इसके बाद बीजेपी ने डीएमके सांसद के बयान पर माफी की मांग की और इस बीच केंद्रीय मंत्री सांसद पीयूष गोयल और सोनिया गांधी के बीच नोकझोंक भी हुई। इनको माफी मांगना चाहिए, आप माफी, जिस प्रकार का बयान इस सदन में दिया है, इनको माफी मांगना चाहिए, आप माफी, जिस प्रकार का बयान इस सदन में दिया है, इनको माफी मांगना चाहिए, आप माफी, जिस प्रकार का बयान इस सदन में दिया है, व्हाट डू यू वांट, इनको माफी मांगना चाहिए।